वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम यू ऑल इन क्लास 11th इकोनॉमिक्स. सो एज यू ऑलरेडी नो फ्रॉम द प्रीवियस फ्यू क्लासेस वी वर कंटिन्यूसली स्टडिंग द चैप्टर दैट इज इंडेक्स नंबर. सो इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी द फर्दर टॉपिक. वट एवर वी विल स्टडी इन द वी वर स्टडी इन द लास्ट क्लास. सो इन टुडेज क्लास वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the next topic is weighted average of the price relative method. Okay, so in this method the price relatives of the current year are calculated. So price relatives are the calculated on the basis of base year prices. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका weighted average of the price related method. Weighted average of price relative method. Okay, so in this method price relative of the current year are calculated. ठीक है, इस method में क्या होता है basically, इस method में होता है कि जो basis जो है calculate करने का base year का वो क्या होता है करेंट ईयर का कैलकुलेट होता है. जो प्राइस रिलेटिव हम करते हैं वो करेंट ईयर का कैलकुलेट होता है. प्राइस रिलेटिव आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस. ठीक है, जो भी हम प्राइस ईयर कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइसेस, जो भी बेस ईयर का प्राइस है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे प्राइस रिलेटिव को कैलकुलेट करेंगे. सो वी नीड टू कैलकुलेट वेट्स. हमें क्या करना पड़ेगा, वेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा. वेट को हम डेनोट किसे करेंगे, डब्ल्यू से. ठीक है, डब्ल्यू से इसको डेनोट करेंगे. अगर क्वेश्चन में क्या है कि नहीं दिया रहेगा तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड द प्राइस रिलेटिव एंड देन द एवरेज इज कैलकुलेटेड. फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे किसका, वेट का और प्राइस रिलेटिव का. उसके बाद क्या करेंगे हम इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स. इसके क्या है, फॉलोइंग स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द प्राइस रिलेटिव फॉर द करेंट ईयर. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके स्टेप्स देखिए, हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव्स फॉर द करेंट ईयर, फॉर द करेंट ईयर. करेंट ईयर का हमें प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब आर, उसको हम लोग बोलते हैं आर और पी आर. सो पी आर इक्वल टू पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100. ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहला स्टेप आपका हो गया कि प्राइस रिलेटिव जो है करंट ईयर का कैलकुलेट करेंगे, विच इज डेनोटेड बाय द आर और द पी आर. पी आर इक्वल टू द पी आर इज प्राइस रिलेटिव और इसको हम लोग रिलेटिव भी बोलते हैं. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि प्राइस ईयर, प्राइस क्या होगी आपके पास, करंट ईयर की प्राइस दी होगी, उसको हम डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ द बेस ईयर इंटू 100. इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, प्राइस रिलेटिव. फिर कह रहा है वी नीड टू कैलकुलेट द वेट. सेकेंड हमको क्या है, कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट वेट. ठीक है, वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा. इफ कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा वेट का, कब, जब क्वेश्चन में नहीं है. अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी वेट का एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें क्या है कि वो कैलकुलेट, मतलब ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, तो हम उसको उस केस में नहीं करेंगे. अगर नहीं दिया रहेगा तो हमें वेट को भी कैलकुलेट करना. सो वेट आर कैलकुलेटेड बाई द फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस ईयर ऑफ द बेस ईयर एंड द क्वान्टिटी ऑफ द बेस ईयर. अब हमें डब्ल्यू को, मतलब इसको वेट कैसे डेनोट होगा, डब्ल्यू. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डब्ल्यू को कैलकुलेट करने के लिए प्राइस ईयर ऑफ द बेस ईयर एंड द क्वान्टिटी ऑफ द बेस ईयर, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स पी जीरो क्यू जीरो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ द वेट. हम वेट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे.
we find the product of weight and price relative, that is R into W, RW. Next हमारा क्या होगा, हमें product किसका find out करना है, product of relative and weight. ठीक है, हमें इसका product find out करना है, that is R into W which is equal to R. ठीक है, देखिए, अच्छा पहले देख लेते हैं फिर करते हैं. Then we find the sum total of weight. फिर जैसे ही W calculate हो जाएगा हम उसका क्या करेंगे, sum total of weight. Sum total क्या करेंगे, weight का calculate करेंगे, that is summation W. Summation W find out करेंगे. We use the following formula to find the weighted average of the price relative. अब हम लोग क्या है, ये formula को use करेंगे weighted average के लिए, मतलब P01 calculate करने के लिए हम क्या करेंगे, summation RW upon summation W. ठीक है, ये हमारा formula होगा price relative of the weighted method का, जिसमें हमें क्या करना है कि बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द बेस ईयर प्राइस पे ये डिपेंड होता है वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड. इसमें हमें क्या करना है, पहला स्टेप है आपका प्राइस रिलेटिव फॉर द करेंट ईयर. करेंट ईयर की जो भी प्राइस है उसको हम करेंगे कैलकुलेट करेंगे, करेंट ईयर की कैसे निकलेगा, आर और द प्राइस रिलेटिव. प्राइस रिलेटिव को हम लोग आर से भी डिनोट कर सकते हैं, आर और पी आर से. The चीज विच इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड. पी वन क्या है, प्राइस ऑफ द करेंट ईयर डिवाइडेड बाई द प्राइस ऑफ द बेस ईयर इंटू हंड्रेड, सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ द पी आर, हमें पी आर मिल जाएगा. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट वेट्स. अगर क्वेश्चन में आपके वेट दिया होगा मतलब डब्ल्यू ऑलरेडी गिवन है तो हमें कैलकुलेट नहीं करना है. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा. वेट को कैलकुलेट करने के लिए इट इज द product of the price of the base year and the quantity of the base year. So what we have to do, we have to multiply the price of the base year to the and the price of the quantity of the base year. Price or quantity जो भी base year का आपके पास question में P1, P0, Q0 ये सारा क्या बोलते हैं items सारे given होंगे आपको, बस यहाँ पे आप P1 upon P0 करके calculate कर लोगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करोगे पी जीरो और क्यू जीरो का, सो दैट वी गेट दी वैल्यू ऑफ दी डब्ल्यू. हम डब्ल्यू की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ द रिलेटिव एंड वेट्स. अब जैसे हमें डब्ल्यू मिल गया, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम प्रोडक्ट किसका फाइंड आउट करेंगे, रिलेटिव और प्राइस रिलेटिव और वेट का, मतलब आर डब्ल्यू फाइंड आउट करेंगे. कैसे, आर हमारे पास यहां से मिल गया, डब्ल्यू हमको यहां से मिल गया, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे. जैसे ही हमारी सारी आर सारा R और W हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, सो दैट वी कैलकुलेट दी समेशन R W. तो जितना भी R W वैल्यूज आया, जितने भी कॉमोडिटी का, उसको हम सम करके R W समेशन R W कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट है आपका सम टोटल ऑफ वेट. अब जो भी वेट हमने कैलकुलेट किया था बाई पी जीरो एंड Q0, हम उसको क्या करेंगे, समेशन वेट कर लेंगे, उसका वेट करके वैल्यू निकाल लेंगे. फिर जो हमारा फॉर्मूला है वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड का, दैट इज P01 इक्वल टू समेशन RW अपॉन समेशन W. इससे हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे किसकी वैल्यू, वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड. ओके, नेक्स्ट वी विल डू दी सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी वेटेड एवरेज ऑफ दी प्राइस रिलेटिव मेथड. ओके, सो फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन देयर एज वेल एज देयर आर आल्सो सम क्वेश्चंस गिवन इन दी एक्सरसाइज. So the question is here, calculate the index number by the weighted average of the price relative method. Okay? Calculate
इंडेक्स, इट इज टू मच वेट, इंडेक्स नंबर बाई वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. ओके, सो क्वेश्चन इज योर कमोडिटी, कमोडिटी 2000 2010. Q0, P0 and P1. It is given here. Commodity is A, B, C, D, E, F. Okay. Till the F, it is given. So, you have to write quantity. So, 2000 here, the 2000 is the base year and 2010 is the current year. So, quantity and the price of the base year is given and the price of the current year is given. Okay. So, quantity is 80, 70, 60, 50, 40 and 30. Price is 4, 8, 12, 4, 2, 3. Price of the current year is 8, 14, 18, 5, 5. And 6. First of all, you have to calculate the PR. PR or R. Iska formula kya hai? P1 upon P0 into 100. Theek hai, fir hum kya nikalenge iske baad? Pehle hum P or PR or R nikalenge. And after that, hum isme W nikalenge. Fir hum kya nikalenge? RW. ओके, तो हमें यहाँ पे पीआर और आर निकालना है, डब्ल्यू निकालना है और आर डब्ल्यू निकालना है. तो फॉर्मूला आपका डब्ल्यू का क्या था बताइए? P0 Q0. ठीक है, तो P0 और Q0 करिए, इसको मल्टीप्लीकेशन करिए. 32 720 320 560 720 280 90. यहाँ पे निकालेंगे. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें निकालना है प्राइस रिलेटिव और द रिलेटिव. तो P1 upon P0, P यहाँ पे क्या है, P1 क्या है, 8 upon 4 into 100. कैलकुलेट करिए, आप लोग कैलकुलेट करते चलिए. फिर यहाँ पे 14 upon 8 into 100, देन 18 upon 12 into 100, 5 upon 4 into 100, देन 5 upon 2 into 100, 6 upon 3 into 100. ये कैलकुलेट करिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए क्या आ रहा है. ठीक है, ये आपका आ गया 4 2 8 200. ठीक है, 2 4 8 2 7 14, 4 2 8 7 25. ये हो गया आपका 175, ये होगा आपका 150, ये हो गया आपका 25, देन 125, 50, 5 5 जा 25, 250. ठीक है,
थ्री टू जा सिक्स इक्वल टू थ्री। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इसकी तो कोई वैल्यू जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू मीन्स इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करिए, मतलब 320 into 200, ठीक है, 320 into 200 175 into 560 150 into 720 125 into 200 250 into 80 200 into 90, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है 64,000, नेक्स्ट है आपका 98,000, नेक्स्ट है आपका 108, नेक्स्ट वन इज 25,000, 20,000 और 18,000। समेशन आर डब्ल्यू निकाले क्या आएगा, और समेशन डब्ल्यू, तो समेशन डब्ल्यू आपका वैल्यू आएगी 1970, ठीक है। फिर समेशन आर डब्ल्यू आ रहा है आपका 333,000, ठीक है, 333,000। इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे P01 इक्वल टू समेशन आर डब्ल्यू, समेशन डब्ल्यू, ठीक है। आर डब्ल्यू आपका आ रहा है 1970, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 169.03। देन P01 इक्वल टू 169.03। ये था आपका वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। एक बार इसको देखिए क्या हो रहा है, तब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या दिया हुआ था, आपके पास क्वेश्चन में Q0, P0, P1 दिया हुआ था, जिसमें हमें P और प्राइस रिलेटिव निकालना था। उसका फॉर्मूला क्या था, P1 upon P0 into 100। P1 आपके पास था, P0 था, into 100 हम ये निकाल लेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे W निकालना था, W को कैसे कैलकुलेट करना था, वेटेड वेट को P0 मल्टीप्लीकेशन ऑफ P0 and Q0, तो हम इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ, फिर समीशन W निकालेंगे इसको सम करके, एंड देन आर डब्ल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करना है। आर डब्ल्यू के लिए हमें आर प्राइस रिलेटिव इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डब्ल्यू सम करेंगे, देन फॉर्मूला इसका प्राइस इंडेक्स का, इंडेक्स नंबर का क्या है, P01 इक्वल टू समीशन आर डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू करेंगे, इसको डिवाइड करके तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 169.03। सो द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द सम इम्पॉर्टेंट इंडेक्स नंबर, सम इम्पॉर्टेंट सम इम्पॉर्टेंट इंडेक्स नंबर। ओके, सो द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर हैव बीन रेगुलरली पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट एंड आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द वेरियस पॉलिसी मेजर्स। ओके, सो देयर आर आल्सो सम इंडेक्स नंबर व्हिच इज ऑल्सो पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या करती है, और भी अदर इंडेक्स नंबर्स होते हैं जो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको भी पब्लिश करती है, एंड आर यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग द वेरियस पॉलिसी मेजर्स। और ये सारे क्या होते हैं, कि यूज होते हैं कि जो भी फर्दर में पॉलिसीज बनाई जा रही हैं गवर्नमेंट के थ्रू, उनको कैलकुलेट करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए, ये सारी पॉलिसीज के लिए भी इंडेक्स नंबर यूज होते हैं। तो कौन कौन से हैं इसमें से, सबसे पहला है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट वन इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, होल सेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स।
एंड द लास्ट वन इज सेंसेक्स। ठीक है, तो ये सारे अदर इंडेक्स नंबर भी है जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके अलावा ये सारे भी है जो गवर्नमेंट क्या करती है यूज करती है अपने इंडेक्स नंबर को बनाने के लिए, ये देखने के लिए, और पॉलिसीज जो भी डिफरेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है तो उनमें भी ये सारे डिफरेंट इंडेक्स नंबर को यूज करती है। सो फर्स्ट वन इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सेकेंड वन इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, फोर्थ वन इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स एंड द लास्ट वन इज सेंसेक्स। ओके, सो एज यू ऑलरेडी नो ड्यू टू कोविड योर सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड अप टू द 30%। सो इन दिस सेशन सो यू नो नीड टू स्टडी द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, कि आपको क्या है कि ये जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स वो क्या है नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से इंडेक्स नंबर से और तो सब सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, बट ये जो टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी बच्चे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये आपको क्या है पढ़ना है, होलसेल प्राइस इंडेक्स ये आपको पढ़ना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स आपको पढ़ना है एंड द लास्ट वन इज सेंसेक्स, ये भी आपको पढ़ना है। तो आपको जो नहीं पढ़ना है वो क्या है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट अस डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल, हम सबको क्या है डिटेल में क्या करते हैं स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए सो फर्स्ट वन इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो व्हाट इज गिवन हियर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज आल्सो नोन एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को और क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं। सो विच मेजर्स द एवरेज चेंज इन द रिटेल प्राइस, जो क्या करता है ये चेंज ये मेजर करता है कि कितना रिटेल प्राइसेस में क्या हुआ है चेंज हुआ है, प्राइस में कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। सो द CPI, CPI मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर इज इंक्रीजिंगली कंसीडर्ड द अप्रोप्रिएट इंडिकेटर ऑफ द जनरल इन्फ्लेशन। ठीक है, जो CPI होता है मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल जो भी वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनके वर्कर्स इज इंक्रीजिंगली, वो क्या है वो जो CPI है वर्कर्स जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में वो इंक्रीज हो रहा है, विच इज कंसीडर्ड द अप्रोप्रिएट इंडिकेटर, जिसको क्या है एक अप्रोप्रिएट इंडिकेटर लिया जा रहा है फॉर दी जनरल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कि हमारी इकोनॉमी में कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है उसको मेजर करने के लिए जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनका जो CPI है उसको एक बेस्ट इंडिकेटर लिया गया है, which shows the most accurate impact of the price rise on the cost of living of the common people. ये क्या show करता है, ये accurate price show करता है कि जो cost of living है लोगों की, cost of living मतलब cost of living होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्या करें, अगर हम लोग live कर रहे हैं तो हमें कुछ cost pay करना पड़ रहा है, हम कुछ expenditure कर रहे हैं तो उसी को क्या बोलते हैं cost of living index बोला जा रहा है। तो ये क्या है एक एक्यूरेट इम्पैक्ट हो जाता है। सो कंसीडर्ड द स्टेटमेंट दैट द CPI फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर 1982 इज 100, 1982 इज 526 इन जनवरी 2005। ठीक है, तो व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन, इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इट मींस दैट इफ द इंडस्ट्रियल वर्कर आर स्पेंडिंग 100 रुपीज इन 1982 फॉर अ टिपिकल बास्केट ऑफ कमोडिटी ही नीड टू spend 526 in January 2005 to be able to be an identical basket of the commodity. ठीक है, ये कह रहा है कि अगर कोई एक इंडस्ट्रियल वर्कर है वो क्या कर रहा है 1982 में वो 100 रुपीज स्पेंड कर रहा था किसके लिए, टिपिकल बास्केट ऑफ द कमोडिटीज, मतलब कि एक जो भी बेसिक नेसेसिटीज होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की उसको कंज्यूम करने के लिए, मतलब एक हम लोग नॉर्म लेके चल रही है पैरामीटर, एक नॉर्म्स लेके चल रही है कि ये बास्केट है मतलब जिसमें क्या है जो भी सारी बेसिक नेसेसिटीज है
उसके लिए कोई भी इंडस्ट्रियल वर्कर का ईयर 1982 में उसको 100 रुपीज स्पेंड करना पड़ रहा था वो कमोडिटीज को परचेज करने के। बट इन 2005 में उसको क्या करना पड़ रहा है, 526 रुपीज को क्या करना पड़ रहा है, स्पेंड करना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि टू बी एबल टू बाय एन आइडेंटिकल बास्केट ऑफ कमोडिटी। अब कोई भी इंडस्ट्रियल वर्कर को 526 रुपीज को क्या करना पड़ा है, स्पेंड करना पड़ा है, तो वो जो भी एक बास्केट है कमोडिटी की वो उसको स्पेंड, उसको वो कंज्यूम कर पाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही शी बाय द बास्केट। अब ये भी नेसेसरी नहीं है कि वो उस बास्केट को परचेज ही करे। सो वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज वेदर ही और शी हैज द कैपेबिलिटी टू बाय इट। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि वो बाय करे ही करे, ये नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे ये कंडीशन है, क्या वो उस कंडीशन पे है, क्या वो उस सिचुएशन में है कि वो इतनी 526 रुपीज स्पेंड कर सकता है, वो जो भी उसकी बेसिक नेसेसिटीज वाली बास्केट है, मतलब जो भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं उनके लिए, अगर क्या है वो 100 रुपीज स्पेंड कर रहा था 1982 में, अब वो उसको 2005 में उसको 526 रुपीज स्पेंड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि वो एकदम मैंडेटरी है कि वो सारे जो भी एक हम लोग बास्केट लेके चल रहे हैं कमोडिटी का वो उसको परचेज ही करे। यहाँ पे कंडीशन ये है, इज और इज ही और शी इज कैपेबल टू बाय दैट बास्केट ऑफ द कमोडिटीज, वो कैपेबल है कि वो उन कमोडिटी को परचेज कर पाए। सो सिंस द नंबर ऑफ कमोडिटी इज लार्ज, यहाँ पे कमोडिटीज जो परचेज करना है, कंज्यूम करना है, वो क्या है, बहुत लार्ज अमाउंट में है, इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर। अब यहाँ पे क्या जरूरत हो गई है कि हमें यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो पर्टिकुलर ग्रुप है कंज्यूमर्स के, डिफरेंट डिफरेंट। देखिए हम लोग को क्या है, हम लोग को अपने इनकम के हिसाब से डिवाइड किया गया है कि कोई क्या है पुअर है, कोई मीडियम फैमिली का है, कोई बहुत ही जिसके पास बहुत रिच है। तो ये क्या है कि अगर हम अपना बास्केट, अगर हम लोग मीडियम फैमिली के, हम अपना बास्केट ऑफ कमोडिटी का देखते हैं, रिच के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे कोई मतलब स्टैंडर्ड ही नहीं है कि हम उनसे क्या करें, मैच कर पाए। वही अगर हम मीडियम फैमिली क्या है कोई पुअर फैमिली से कंपेयर करते हैं तो हमको क्या है, हम उनसे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं, डिफरेंट इनकम ग्रुप के जो उससे रिलेटेड है, उसको क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, पुअर है, मीडियम है या रिच है। ठीक है, सो एंड सेलेक्ट दोज कमोडिटी विच आर जनरली कंज्यूम्ड बाय देम। अब हमको इसके बाद क्या करना है, पहले हमने इनकम वाले को डिवाइड कर लिया, उसके बाद हम कंज्यूमर को भी क्या करेंगे, डिवाइड करें, मतलब कंज्यूमर की जो भी डिमांड है, जो वो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, उस इनकम ग्रुप के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। सो द मेजर ग्रुप ऑफ द कंज्यूमर फॉर होम द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, जो मेजर ग्रुप है इंडिया में देखा जा रहा है कि जिसके हिसाब से ये CPI को बनाना पड़ रहा है, उसमें सबसे पहला है आपका, फर्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल वर्कर, कि जो इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल वर्कर जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, सेकेंड है नॉन अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर, अर्बन जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं बट नॉन मैनुअल है, मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो मशीनरी के थ्रू काम कर रहे हैं, मतलब वो नॉन मैनुअल वर्कर्स हैं। एंड द थर्ड वन इज एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है वर्क कर रहे हैं। तो ठीक है, तो जो भी हमने ये कंज्यूमर को डिवाइड किया, मतलब कंज्यूमर को उनकी इनकम के अकॉर्डिंग, तो तीन में डिवाइड किया, इंडस्ट्रियल वर्कर, और क्या है जो अर्बन एरिया में जो वर्कर्स हैं वो जो रह रहे हैं, एंड द थर्ड वन इज जो एग्रीकल्चर है। ठीक है, सो दस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड टू मेजर द इफेक्ट ऑफ द, क्या कह रहा है कि दस द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर कंस्ट्रक्टेड टू मेजर इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रियल इनकम। ठीक है, ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है वो कंस्ट्रक्ट किस पे होगा, मेजर करने के लिए इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी प्राइस में
कितना चेंज आ रहा है। अब प्राइस अगर चेंज भी हो रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑन दी रियल इनकम, मतलब रियल इनकम जो है लोग, रियल इनकम मीन्स की परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, मतलब जैसे मेरी कुछ इनकम है, ठीक है, अब मेरी इनकम का रियल इनकम होने का मतलब है कि पावर मेरे पास कितनी है। पावर होने का मतलब है कि हम ये नहीं कहें कि मेरे पास पावर, मतलब मेरी जो मेरे पास मनी हो है, मतलब अगर मेरी सैलरी आ रही है 30,000 25,000 आ रही है, तो उसमें कितनी पावर है कि हम उससे कितनी कमोडिटी को परचेज कर सके, उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर। कि हमारी कंट्री की, हमारी करेंसी जो मेरे पास मनी, उसकी कितनी पावर है, उसकी कितनी पावर है कि हम कितनी कमोडिटी को परचेज कर सके, ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विच इज रिलेटेड टू द बेसियर। कि किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में जो रिलेट किससे कर रहा है, बेसियर से कर रहा है, ठीक है। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द प्राइसेस ऑन द कॉस्ट ऑफ द लिविंग ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द पीपल इन अ सोसाइटी, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द प्राइस की, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज होने पे प्राइस में, ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द पीपल इन अ सोसाइटी की, जो भी सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस हैं उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि वी नीड टू प्रिपेयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हमें क्या करना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को प्रिपेयर करना है, बिकॉज जनरल इंडेक्स नंबर फेल टू हाईलाइट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द वेरियस गुड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। हम यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसलिए बना रहे हैं कि जो भी हम लोग जनरल इंडेक्स नंबर ले रहे हैं वो इतना कैपेबल नहीं है कि गुड्स एंड सर्विसेज में कितना प्राइस में चेंज हो रहा है वो उसकी स्टडी कर सके, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेते हैं, बिकॉज डिफरेंट क्लासेस ऑफ द कंज्यूमर्स कंज्यूम डिफरेंट कमोडिटीज दैट टू इन डिफरेंट प्रपोर्शन, बिकॉज जो डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं उन कंज्यूमर क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट इनकम ग्रुप के कंज्यूमर, उन डिफरेंट इनकम ग्रुप के उनकी अपनी डिमांड भी क्या है, डिफरेंट है, वो डिफरेंट टाइप के कमोडिटीज को भी क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, और द रिलेट प्राइस रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एंड द रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स,